ओडिशा के पुरी के गुंडीचा मंदिर से बहुला यात्रा सोमवार को शुरू हो गई है। इस बहुला यात्रा के जरिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपनी मौसी के घर 9 दिन बिताने के बाद गुंडीचा से वापस जगन्नाथ मंदिर लौट आते हैं। जगन्नाथ मंदिर लौटने के साथ ही इस यात्रा का समापन हो जाता है। इस बार हिंदू पंचांग के हिसाब से जगन्नाथ रथ यात्रा 2 दिन तक चली थी। वैसे ये 1 दिन की ही होती है। इससे पहले 2 दिन की यात्रा साल 1971 में हुई थी। बहुड़ा का मतलब होता है महाप्रभु जहाँ पे आए थे वहीं पे जाएंगे, इसलिए कि ये भी समय की प्रतिक्रिया है। हम लोग जहाँ से शुरू करते हैं फिर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये समय के चक्र ही बताते हैं, ये सृष्टि के चक्र भी ही बताते हैं, और ये सृष्टि समय की रचना करने वाला हमारे महाप्रभु भी खुद अपने जीवन पे आचरण करते हुए, खुद इसको मानते हुए हमको बताते हैं कि जहाँ से आए हो वहाँ पे लौटना पड़ेगा। चारों भगवान ठीक सब धर्मों पे रथ के ऊपर में आएंगे, उसके बाद जगन्नाथ जी का गजपति महाराज आगे आकर झाड़ू लगा कर फिर रथ छोड़ना होगा। तो प्रभु का इच्छा है, जैसा प्रभु चाहेगा ऐसा है। बहुला यात्रा में शामिल होने के लिए आसपास के इलाकों के साथ पड़ोसी राज्यों से भी हजारों श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। पवित्र बहुला यात्रा भगवान जगन्नाथ के देखने के लिए इधर हम आए हैं पुरी। जो आज का दिन एक जो पुरी पूरा बड़दांडा जो है पूरा भारी मात्रा में लोग भीड़ हुए हैं, और ये प्रभु जगन्नाथ की लीला है, कृपा है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम इधर आए हैं। जैसे कि वर्ल्ड वाइड एक फेमस है रथ यात्रा, तो रथ यात्रा के लिए सब लोग एक्साइटेड होते हैं, तो हम लोग तो ओडिशा से ही हैं, तो इसीलिए बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग। प्रशासन ने यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। ऑलमोस्ट 180 प्लेटून फोर्स हैव बीन प्रोवाइडेड, बिसाइड्स 3 कंपनी ऑफ CRAF इज देयर, 2 कंपनीज ऑफ CRPF इज अवेलेबल हियर, 8 यूनिट्स ऑफ SOG इज डूइंग ऑल दिस सिक्योरिटी जॉब। बिसाइड्स we have put lot of CCTV cameras and with a good monitoring system, and accordingly we are issuing instructions, we are seeing and we are finding it if there is any congestion, if there is any lull point or if there is any hot point, we are taking care. भगवान जगन्नाथ का रथ बनाने की शुरुआत रामनवमी से हो जाती है और इसके समापन के साथ ही इस रथ को तोड़ दिया जाता है, ताकि अगली बार फिर से भगवान के लिए नया रथ बनाया जा सके।